क्यों साक्षी देते आप लोगों का विश्वास आगे बढ़ने के लिए साक्षी देते, साक्षी सुनने में हमारा विश्वास आगे बढ़ते, इसलिए इन लोगों को साक्षी देने के लिए बोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ कुछ बंधन हमारे जीवन में होते, वो प्यार का नुकसान होते हमारे अंदर। जो लोग हमें प्यार करने वाला लोग है, प्यार नहीं करते, इससे हमको बंधन होते, ऐसे शैतान का जगह मिलते। इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक काव, हमारे आंतरिक काव है। आंतरिक काव से हमको चंगाई मिलना चाहिए। कुछ बोलना, सबको जय यीशु। मेरे शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे बिल्कुल बच्चे नहीं थे, तो मैं बहुत हॉस्पिटल वगैरह घूमी और फिर मैं डिवाइन वचन आना शुरू की थी। तो फादर जी से पहले एक फादर जी थे यहाँ पे, तो मुझे हमेशा बोलते थे कि मार्गरेट आप प्रेयर करो, मार्गरेट आप प्रेयर करो। मैं बोलती थी फादर जी मैं बहुत प्रेयर कर रही हूँ, मुझे बच्चे नहीं हो रहे। फादर जी मुझे बोलते थे नहीं मार्गरेट, आप आशीष से भर जाओगे, भगवान आपका घर इतना भर देगा कि आपको बच्चे ज़रूर होंगे। मैं फादर जी को बोलती थी फादर जी मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ पर मुझे बच्चे नहीं हो रहे। फादर जी ने मुझे बोला कि आप, फादर जी सिस्टर जी दोनों ने भी मुझे बोला कि आप हर सैटरडे डिवाइन वचन में आओ और प्रार्थना करो। और मैंने प्रार्थना करना शुरू की तो भगवान ने मुझे एक बच्चा नहीं, मुझे 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, और आज वो वहाँ पे है, 3 साल के हो गए। गवाही मुझे पहले ही देना था पर मैं प्रभु यीशु से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं लेट गवाही दे रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं आज और स्वस्थ है और अच्छे है। एक लड़का और एक लड़की दिया यीशु ने मुझे, जुड़वा बच्चे दिए यीशु ने। हालेलुया।